हेलो एवरीवन, माय टीम इज इंडियन टाइटन। हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो हमारी टीम ने बहुत अच्छा सुबह ही से परफॉर्म किया है। पहला मैच हमने लूज किया, बट उसके बाद इन्होंने बैकअप अच्छा कर लिया है। तो जैसे हमारे मंथन विकेट कीपर बॉलर अच्छा परफॉर्म करते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी पेस बनाए रखी है। दूसरी टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट हमारे प्लेयर्स ने उनको बहुत अच्छा से कवर किया। कवर करने के बाद उन्होंने जैसे जैसे फील्ड आगे आगे जाती रहे, स्कोर बनते रहे, तो स्कोर बनने से इन्होंने थोड़ा प्रेशर में भी रहे, बट उन्होंने फिर भी थोड़ा सा कॉपअप कर लिया। थोड़ा सा हमें डर लग रहा था कि हम अपना मैच लूज़ कर लेंगे, बट लूज़ करने से ये पार्ट ऑफ द गेम है। तो पार्ट ऑफ द गेम होने की वजह से हम अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो बारे में बताइए कुछ। ओके, तो मैं इनका कोच हूँ संदीप, मेरा नाम संदीप सिंह है। तो ये मेरी टीम है, टीम में मेरे अभी प्लेयर्स आ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे YSL के बारे में मैंने सुना था, YSL बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। तो YCL ऐसी प्लेटफॉर्म है कि इसमें हम कोई भी किसी भी कैटेगरी का बच्चा किसी भी प्लेटफॉर्म से आ सकता है, किसी भी स्टेट से आ सकता है। मैं तो चाहूँगा कि हर एक स्टेट का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे। तो जो YSEL है, एक इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर बच्चे को यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अपना देने का मिलता है। तो कोई भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। बच्चों के लिए तो ये एक अच्छा ही प्लेटफॉर्म माना जाएगा इंडिया की तरफ से। तो बच्चों ने बहुत इसमें अच्छा परफॉर्म किया, बच्चों को मैंने इसमें एंगेज किया। तो आपको YSEL के बारे में कैसे पता चला था? YSEL के बारे में हमें सोशल मीडिया के द्वारा पता चला था, इंस्टाग्राम और वैसे हम कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं। तो मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैंने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म देखें कि जहाँ पे बच्चों को हम मैं लेके जा सकूँ। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल करता करता YSEL के पेज पे पहुँचा। तो YSEL के पेज पे देखा, मैंने वीडियोस का रिव्यू किया, बहुत अच्छा उसमें रिस्पॉन्स दे रखा था वीडियोज़ में। तो वीडियो जैसे जैसे मैं देखता गया तो मुझे लगा कि ये मेरे बच्चे तो इससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को बस लेके आ गए, तो हमने अच्छा परफॉर्म किया। दे हैव प्लेड वेल, सो कांग्रेचुलेट टू माय टीम। तो अभी आपके यहाँ पर एकेडमी के कितने प्लेयर्स आए हैं? तो मेरी एकेडमी से अभी 8 प्लेयर्स आए हैं। 8 प्लेयर्स में से सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे जैसे ये आगे आगे बढ़ते गए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनका लूज हुआ है, तो इन्होंने कॉपअप कर लिया उसकी वजह से। तो दे प्लेड वेल, ये तो अभी इनका फर्स्ट टाइम है, तो इनको थोड़ा सा भी थोड़ा डर भी लग रहा था कि हम सर इतनी दूर जाएंगे कैसे खेलेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, प्लेयर्स है, प्लेयर्स तो घूमते फिरते रहते हैं, आप अच्छा प्ले करोगे। तो जैसे ये नोएडा आए हैं, तो नोएडा में देखा थोड़ा सा इनको थोड़ा सा अपना मन लगा यहाँ पे आके, तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे जैसे हम आए फर्स्ट टाइम नोएडा में आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। पहले मैं आया था 8-9 साल पहले, अब तो काफ़ी चेंज आ चुका है यहाँ पे। तो नोएडा में आके थोड़ा सा लगा था, डर लग रहा था कि यार कैसे कहेंगे हम, अकेले कैसे करेंगे। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, अच्छा फ्रेंडली वातावरण यहाँ पे बना रखा था सबने मीन्स को अच्छा कोऑपरेट किया। अंपायर्स, टीम इंचार्जेस, ग्राउंड मैनेजर, सबने अच्छा यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स दिया है। टीम में तो एक जैसे राघव कंडेल है, इसने अच्छा परफॉर्म किया है, आज के मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ध्रुव कंडेल है, इसके ही का भाई है। जसकरण है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। लक्ष्य सैनी है, इसने भी बॉलिंग बहुत अच्छी की है। ध्रुव ने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की है, बैक ऑफ द विकेट। और हमारे आरव शर्मा है, ये सबसे छोटा प्लेयर हमारा, एक चुटकू सा प्लेयर है, इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। रोहित सैनी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, हमारे 8 के 8 के प्लेयर ने ट्रायल दिया था। तो ट्रायल में यही सबसे पहले इनका ट्रायल चंडीगढ़ में हुआ था। तो चंडीगढ़ में इन्होंने 249 में से हम सेलेक्ट हुए थे 149। तो इनको थोड़ा सा वहाँ से अपलिफ्ट हुए, वहाँ से इन्होंने लगा कि सर हम कुछ कर सकते हैं, हमें और आगे जाना चाहिए। तो इनको फिर आगे की स्पोर्ट्स स्पिरिट बढ़ती गई, तो इन्होंने अच्छा यहाँ पे भी आके अच्छा परफॉर्म किया है। पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी कि उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि सर अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत हो तो हम आपके साथ हैं, बच्चों के लिए पूरा रिस्पॉन्सिव रहे हैं। वो अभी भी वो कॉल में टच में है कि हमारे प्लेयर बॉयज़ अच्छा कर रहे हैं। तो दे आर वेरी हैप्पी कि वो हमारे प्लेयर थोड़े मैच जीत के आ रहे हैं।